नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का वॉल्यूम 1। इसमें जो की फाइंडिंग्स हैं, जो जो भी फैक्चुअल डिटेल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे भी जो सेंट्रल वाला है, दो रिपोर्ट बनता है उसका, वैसे ही इसमें भी है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो उसके दो वॉल्यूम होते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम जो होता है उसमें नेशनल लेवल पे जो स्टडी की गई है या फिर कुछ स्पेशल स्टडीज जो की हुई है वो सब इनकॉर्पोरेटेड रहता है। और जो वॉल्यूम टू है उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो डिटेल्स होते हैं, की फाइंडिंग्स होते हैं, उसको इलेबोरेट तरीके से दिया रहता है। तो हम वॉल्यूम टू आज नहीं करने वाले हैं, हम वॉल्यूम वन देखेंगे जो की फाइंडिंग्स है नेशनल लेवल पे, जिसका एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वही सब डिटेल्स को हम देखने वाले हैं, फैक्चुअल डिटेल्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्वीट्स। लेट्स बिगिन। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको रिलीज कब किया गया? इसको रिलीज किया गया है 30 दिसंबर 2019 को, ठीक है। और ये वाला जो रिपोर्ट है, इस साल वाला 2019 वाला जो रिपोर्ट है, ये 16th रिपोर्ट है। और इसको स्टार्ट किया गया था 1987 में, इसीलिए ये 2019 वाला जो है वो 16th हो गया। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक स्टेटमेंट ऐसे दे दिया जाएगा कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन से नंबर का रिपोर्ट था, तो ये 16th है। फिर ये बाइनियल पब्लिकेशन होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दो साल में एक बार निकलेगा। जो लास्ट वाला आया था वो 2017 में आया था, 2019 में, और अब कब आएगा नेक्स्ट, 2021 में। अब देखते हैं, इट वॉज रिलीज बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर, तो उन्होंने रिलीज किया था इसे। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है, ये जनरली रिवील क्या करता है? तो ये बताता है हमें हमारे कंट्री का फॉरेस्ट कवर बताता है, फॉरेस्ट वेजिटेशन बताता है, डेंसिटी बताता है, ट्री कवर बताता है, जो प्लांटेशन चल रही है उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है ये बताता है, बैम्बू रिसोर्सेज बताता है, कार्बन स्टॉकिंग बताता है, फॉरेस्ट फायर बताता है, यहाँ पे जो मैंग्रोव्स हैं उसके बारे में भी बताता है, मैंग्रोव कवर कितना है ये सब भी बताता है, और स्पीसीज का डाइवर्सिटी जो है हर्ब्स में, ट्रीज में, ये सब सब कुछ इलेबोरेट तरीके से बताता है। तो ये हो गया कि क्या सब रिफील करता है फॉरेस्ट रिपोर्ट। आइए देख लेते हैं FSI के बारे में, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। FSI का मतलब है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या है? इट इज अ प्रीमियर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन वाला, बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जो कि फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये क्या करेगा, FSI जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, वो असेसमेंट करेगा और मॉनिटर करेगा जो हमारे कंट्री का फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, उसको असेस करेगा, उसको मॉनिटर करेगा ऑन रेगुलर बेसिस। तो क्या हुआ था 1981 में, इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जून 1981, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सक्सीडेड द प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन 1965 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद स्पॉन्सरशिप ऑफ FAO एंड UNDP। तो ये जो PISFR है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1965 में विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको स्पॉन्सर किया गया था FAO और UNDP के द्वारा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था क्योंकि इससे पता चलता जो रॉ मटेरियल है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज इन सेलेक्टेड एरिया ऑफ कंट्री, तो इसकी असेसमेंट करने के लिए, इसकी जो अवेलेबिलिटी है इसको चेक करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए ये जो प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज है ये किया गया था।
फिर FSI का ही रिपोर्ट था 1976 वाला, उसमें नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का रिकमेंडेशन आया था कि क्रिएट करें नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेगुलर पीरियोडिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेस्ट रिसोर्सेज सर्वे ऑफ कंट्री लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ FSI. ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन आया था 1976 में NNCA का, जिसकी वजह से बना है FSI. ये FSI के बारे में हम देख रहे थे. फिर इसकी मेजर एक्टिविटी क्या है, रिमोट सेंसिंग बेस्ड नेशनल वाइड फॉरेस्ट कवर को मैप करेगा बायनियल साइकिल में. फिर नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल प्लॉट्स लेड अक्रॉस द कंट्री. फॉरेस्ट फायर को मॉनिटर करना, फिर फॉरेस्ट कार्बन असेसमेंट करना, फिर फॉरेस्ट टाइप मैपिंग करना, या उसके बाद सेवरल प्रोजेक्ट ऑन इमर्जिंग इश्यूज एंड स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. और भी स्टेट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे, और फॉरेस्ट फॉरेस्ट मैपिंग, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया. और भी कोई इमर्जिंग इश्यूज है, जैसे फॉरेस्ट फायर की इशू आ जाती है कभी, तो ऐसे कोई फॉरेस्ट रिलेटेड कोई इशू आ जाता है अचानक, तो उसको भी रीड करता है, उसको भी मॉनिटर करता है, एसेस करता है FSI. फिर 1987 में FSI इज 1987 से FSI क्या स्टार्ट किया, ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट स्टार्ट हो गया था. और ये किस लिए था, ये था ऑन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ कंट्री. तो स्टेट फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट जो है इसमें क्या लिखा हुआ होता है, इसमें जो स्टेटस है फॉरेस्ट रिसोर्सेज की हमारे कंट्री की, इसके बारे में रहता है. उसके बाद ठीक है ठीक है, ये सब FSI का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये देहरादून में. तो ये जो जनरल कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऐसे पूछा जा सकता है, कभी सीधे पूछ सकता है कि FSI का हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में, या फिर ऐसे ऐसे मैच द फॉलोइंग दे सकता है, एक साइड ऑर्गेनाइजेशन और उस दूसरे साइड उसका हेडक्वार्टर्स, तो आपको मैच करना पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं. फिर एंड हैज पैन इंडिया प्रेजेंस विद 4 रीजनल ऑफिसर्स एट शिमला, कोलकाता, नागपुर, बैंगलोर. ईस्टर्न जोन हैज़ सब सेंटर एट बर्नीहट. तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर ज़रूरी है. FSI का हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना होगा कि ये देहरादून में. नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ISFR 2019 हैज़ बिन स्ट्रक्चर इन टू 2 volumes. इसको 2 volume में बनाया गया है. पहला जो है वो नेशनल लेवल असेसमेंट करेगा, असेसमेंट और स्पेशल स्टडीज़ को इंडिकेट करेगा, और वॉल्यूम 2 जो है ये डेडिकेटेड है ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है कंट्री के, उसके बारे उसके सारे स्टेटस को इसमें अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया गया है पार्ट 2 में, मतलब वॉल्यूम 2 में. फिर देख लेते हैं सैलिएंट फाइंडिंग्स क्या क्या हुआ है. तो टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ कंट्री जो है वो इतना है, 712,249 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 21.67% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे कंट्री का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 712,249 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 21.6% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ये याद रखना ज़रूरी है. फिर ट्री कवर कितना है, ये फॉरेस्ट कवर अभी हम देख रहे थे, अभी ट्री है ये. ओके, ये फॉरेस्ट, ये ट्री. ट्री कवर कितना है, तो 95,027 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 2.89% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. तो अब इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, टोटल फॉरेस्ट कवर और टोटल ट्री कवर, तो कितना हो जाता है एरिया हमारा, 807,276 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 24.56% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री, जिसको कि हमें अभी एलिवेट ही करना है, 33% पे ले जाना है मिनिमम. तो अभी हम बहुत पीछे हैं अपने टारगेट से, ये हो गया. उसके बाद देखते हैं द करेंट असेसमेंट सोर्स इंक्रीज इन इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 0.56%, देखिए कितना कम इंक्रीज हुआ है, 0.56% फॉरेस्ट कवर बढ़ा है. फिर ट्री कवर कितना बढ़ा है, 1.29%, और दोनों को अगर मिला देते हैं तो ग्रोथ कितनी हुई है, 0.65% ग्रोथ हुई है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में. नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉरेस्ट कवर विद इन RFA हैज सोन अ स्लाइट डिक्रीज ऑफ 330 स्क्वायर किलोमीटर, वेयर एज देर इज इंक्रीज इन 4306 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर आउटसाइड
recorded forest area as compared to previous. ठीक है, विद इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वहाँ पे डिक्रीज हुआ है, और अगर आउटसाइड जाते हैं तो वो इंक्रीज हो गया है फॉरेस्ट कवर. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल आप यहाँ पे देख लीजिए. फिर टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर. फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ बढ़ा है, कौन से 5 स्टेट में? तो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश. प्रदेश ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है. फिर यहाँ देख लेते हैं, वेरी वेरी डेंस फॉरेस्ट का जो एरिया है और उसकी परसेंटेज जो है 3% है. मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो 9.39% है. ओपन फॉरेस्ट जो है 9.26% है. और हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो है 21.67%. और नॉन फॉरेस्ट एरिया है 76.92, और स्क्रब जो है वो है 1.41%. तो ये आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगा. यहाँ पे पाई चार्ट से बताया गया है कि ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है, ये वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया है, ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का एरिया है, ये ओपन फॉरेस्ट है, यहाँ पे स्क्रब है. ये देख सकते हैं यहाँ पे एरिया और परसेंटेज दोनों दिया हुआ है यहाँ वाले ये वाले पैराग्राफ में. तो आप इसका भी, अगर इफ यू वांट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. हाँ, अब देख लेते हैं, फॉरेस्ट कवर इन हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री ये कितना है. 40.30% है और इसमें इंक्रीज हुआ है. तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 544 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है 140 हिल डिस्ट्रिक्ट में. तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं. फिर क्या है कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जोग्राफिकल एरिया का 37.54% है फॉरेस्ट कवर. फिर यहाँ पे इसमें भी डिक्रीज ही देखा गया है. उसके बाद टोटल फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो है 65.05% ऑफ जोग्राफिकल एरिया. इसका एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं. और यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, एक्सेप्ट आसम एंड त्रिपुरा ऑल द स्टेट्स इन रीजन सो डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर. तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ असम और त्रिपुरा ही है जहाँ पे जो डेंस जो फॉरेस्ट कवर है वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, अदरवाइज ऑल द स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में कम ही हुआ है ये. उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मैंग्रोव कवर इन द कंट्री हैज इंक्रीज बाय 54 स्क्वायर किलोमीटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट. तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, स्टिल ये ग्रो किया है, कम तो नहीं हुआ है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. 54 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया. और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है कि कौन से 3 जगह पे इसकी ग्रोथ हुई है, कौन से 3 स्टेट्स हैं जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ देखा गया है मैंग्रोव कवर का. फिर देख लेते हैं, टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड इन कंट्री इज एस्टिमेटेड 5,915.76 मिलियन कम्प्राइजिंग. ये डिटेल्स जो भी है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको याद करना है. फिर एवरेज ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर इन फॉरेस्ट हैज़ बीन एस्टिमेटेड 55.69 कम. ठीक है, तो ये देख लेना है, याद रहेगा तो ठीक है, ओवरऑल आपको पता रहना चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली 6,000 के पास में है. टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया ऑफ कंट्री, तो टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया ऑफ कंट्री कितना है, 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर. देर इज इंक्रीज ऑफ इतना एरिया 3,229 स्क्वायर किलोमीटर इन बैम्बू बियरिंग एरिया एज कम्पेयर टू 17 वाला रिपोर्ट जो है. तो यहाँ भी इंक्रीज हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्रीज कहाँ कहाँ हुआ है, मैंग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है, बैम्बू का जो एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है, और फॉरेस्ट कवर जो है डिक्रीज हुआ है कहाँ पे, असम और त्रिपुरा को छोड़ के बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है सब जगह फॉरेस्ट कवर कम ही हुआ है. ये सब डिटेल्स ही है जो हमने अभी कर लिया है कवर.
और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, ये सब कुछ पूछा जा सकता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर के बारे में दिया हुआ है, हिल डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में कितना है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितना है और कितना डिक्रीज हुआ है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे भी सबका डिफिनेशन दिया हुआ है कि कैटेगराइज कैसे किया जाता है, क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होंगी जिनकी जो ट्री कैनोपी डेंसिटी होती है वो 70%+ होगी। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में क्या होगा, 40 से लेके 70 तक। फिर जो ओपन फॉरेस्ट है उसमें क्या होगा, उसमें रहेगा 10 से लेके 40 तक। फिर जो स्क्रब होते हैं उसमें क्या होगा, 10 से कम। और नॉन फॉरेस्ट लैंड्स नॉट इंक्लूडेड इन क्लास इन एनी ऑफ द अब क्लासेस, तो जो उसमें नहीं इंक्लूडेड है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 70+ में है, फिर 40 से लेके 70 इसको क्या कहते हैं, मॉडरेटली डेंस ट्री कैनोपी एरिया जो होती है, डेंसिटी जो होती है वो 40 से 70 के बीच में रहेगी तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहलाएगा। फिर ओपन ओपन फॉरेस्ट कहलाने के लिए 10 से लेके 40 तक होनी चाहिए इसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी। फिर स्क्रब स्क्रब में होगा less than 10%, ये सब सारे परसेंटेज हैं। ओके यहाँ पे देख लीजिए, डायग्राम से भी बहुत पता चल जा रहा है ना इमेजेस से, कितना यहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कितना डेंसिटी है बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर और कम, और ये तो और कम ही है, less than 10%। ये सब भी डिटेल हमने अभी कर लिया था पैराग्राफ में, हाँ टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड कर लिया था, एवरेज ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर भी है, टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया में हमने देखा, कार्बन स्टॉक ऑफ द फॉरेस्ट ये सब देख लिया हमने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंग्रोव का डेफिनेशन है, इसके कैरेक्टर सैलियंट फीचर्स हैं क्या सब होता है, सकुलेंट लीव्स होता है, सनकन स्टोमाटा होता है, एरियल ब्रीथिंग रूट्स जिसको न्यूमाटोफोर्स कहते हैं वो होता है, विविपेरी के लिए एडप्टेड है, ये स्टिल्ट रूट्स होते हैं, बटरेसेस होते हैं, तो ये सब अभी नहीं ज़रूरत है, हम जब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से मैनग्रूव्स और ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये सब हम देख लेंगे उधर। और अगर आपको बहुत मन है तो आप इसको देख सकते हैं खुद से। इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स है यहाँ पे, ग्लोबल स्टेटस ऑफ मैंग्रोव कवर भी दिया हुआ था, दिस मे नॉट बी इम्पोर्टेंट ऑल्सो, हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं इम्पोर्टेंट है। कंजर्वेशन कैसे करना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ था। अच्छा ये है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, top 5 states विद इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो कहाँ कहाँ हुआ था, हमने देखा था कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश था, फिर केरला था, फिर जम्मू कश्मीर था, फिर हिमाचल प्रदेश था, तो ये वाला देख लिया था हमने। एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। फिर ज्योग्राफिकल एरिया ट्री कवर परसेंटेज वाइज है, ये तो मिजोरम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया ये, अब देख लेते हैं आगे, ये मैप है, डार्केस्ट ग्रीन जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद ये सब ऐसे
हाँ ये भी देख लेते हैं, टॉप 5 स्टेट्स विद डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर, कहाँ कहाँ पे डिक्रीज हुआ। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ मणिपुर में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम में, फिर मेघालय में, फिर नागालैंड में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे इंक्रीज हुआ कहाँ पे डिक्रीज हुआ, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। फिर कहाँ कहाँ चेंजेस नहीं आया, तो त्रिपुरा में नहीं आया, दादर नगर हवेली में नहीं आया, दमन एंड दीव में नहीं आया, लक्षद्वीप में भी कोई चेंजेस नहीं आया। रीजंस भी दिया हुआ है, ट्री कवर जो है और फॉरेस्ट कवर जो है, इसकी लॉस क्यों हो रही है। तो सबसे पहले तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, फिर फॉरेस्ट फायर्स के भी इंसिडेंट्स हुए थे, फिर ट्री को काट दिया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन वो भी है, फिर नेचुरल कैलमिटीज़ को भी एक रीज़न बताया गया है कि फॉरेस्ट कवर का लॉस हो रहा है, फिर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर जो है, आर्टिफिशियल जो हमारा मैनमेड ही प्रेशर जो है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे ट्री कवर पे, उसके वजह से भी, फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के वजह से भी काटा जाता है ट्री को, जिसके वजह से फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, ट्री का लॉस हो रहा है। तो ये सब रीजंस थे जो ये जो रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें भी मेंशनड है। तो अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी बिहार में हरियाली मिशन प्रमोट कर रहा है ना, ग्रीन जो यहाँ पे ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर है, इसको प्रमोट करने के लिए हरियाली मिशन की स्टार्टिंग हुई थी, और फिर ह्यूमन चेन भी बनाया गया था। तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि फॉरेस्ट अफॉरेस्टेशन कैसे प्रमोट करना है, या फिर फॉरेस्ट कवर क्यों कम हो रहा है, तो ये सब आप वहाँ पे अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये भी कुछ ऐसे ग्राफ्स थे, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ऑफ टॉप 5 स्टेट्स फॉर ट्रीज़। तो ट्री के स्पीसीज रिचनेस में सबसे ज़्यादा कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर केरला, फिर उड़ीसा है, फिर सर्व में है अरुणाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर मेघालय, फिर केरला, फिर असम। ये ट्री हो गया, ये सर्व हो गया। हर्ब भी देख लेते हैं, हर्ब में कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है। वैसे प्लांट्स में क्या कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, जम्मू कश्मीर है, केरला है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका भी, वैसे इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, वो जो मेन पॉइंट्स थे जो शुरुआत में हमने सैलियंट फीचर्स के अंडर देखे थे, टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, परसेंटेज कितना है, ट्री कवर कितना है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो जो लिस्टिंग हमने देखी थी लिस्ट में, कि कौन सा जगह पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, सबसे जो स्टेट वाइज हमने रैंकिंग देखी थी वो वाली, वो इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया आपको, तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए रहना है, और अगर कोई भी इंक्वायरी है आपकी, या फिर आप कोई सजेशन दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है BPSC वाला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है, आप इसके थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बस इतना ही आज के लिए, सो हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।